तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पहली बिग ब्रेक की न्यूज, कल के सामने यूपी चुनाव आते ही भाजपा की मुसलमानों के खिलाफ नई साजिश, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया ऐलान, यूपी में जल्द बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर योगी सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मोदी सरकार के 42% मंत्री हैं भ्रष्टाचारी और 90% मंत्री हैं करोड़पति, बढ़ गई हैं मोदी की मुश्किलें। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने योगी को बताया ढोंगी, कहा उत्तर प्रदेश में है राक्षस राज। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीमा छोड़कर भागे अफगानिस्तान के सैनिक, तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर किया कब्जा, पड़ गया है सभी देशों में तनाव। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मायावती ने योगी पर बोला बड़ा हमला, कहा उत्तर प्रदेश में कानून नहीं जंगल राज चला रही है योगी सरकार। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, अब हर रोज 200 किसान संसद के बाहर मोदी अमित शाह के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चीन से लगा मोदी को बड़ा झटका, चीन तिब्बती लड़ाकों को सेना में कर रहा है शामिल, भारत के खिलाफ एलएसी पर करेगा तैनात, उड़ गई है मोदी की नींदें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया ऐलान 2023 में मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी की लखीमपुर खीरी की घटना पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार के अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा लिस्ट बन रही है सब रखा जाएगा याद, चुन चुन कर लिया जाएगा सभी से बदला। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी बीच अगली बड़ी खबर, कल का शाम यूपी चुनाव आते ही योगी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश, योगी ने किया ऐलान उत्तर प्रदेश में जल्द बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर योगी सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई। जो बता दें उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नए कानून लागू होने के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से या किसी सरकारी प्रायोजित कल्याण योजना का लाभ लेने से रोक दिया जाएगा, बहस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, वहीं किसी स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। वहीं आपको बता दें प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून मसूदे में ये सभी बातें योगी सरकार ने कही हैं। वहीं आपको बता दें यूपी में राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधायक 2021 के मसूदे पर 19 जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी है। दोस्तों बड़ी खबर है, जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है भाजपा की योगी सरकार मुसलमानों को बांटने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये नए कानून ला रही है और योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है जल्दी इसी महीने के अंत तक यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून मुसलमानों के खिलाफ ला सकती है। दोस्तों बड़ी अपडेट है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने रही है एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मोदी सरकार के 42% मंत्री हैं भ्रष्टाचारी और 90% मंत्री हैं करोड़पति, खुल गई है मोदी की पोल। दोस्तों बता दें चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले ग्रुप एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी कैबिनेट में शामिल 78 मंत्रियों में से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है, जिसमें 4 भाजपा मंत्रियों पर हत्या का मामला दर्ज है। बुधवार को 15 नए कैबिनेट मंत्रियों और 18 राज्य मंत्रियों ने शपथ की थी, जिसके बाद मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई है। भैया बता दें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने चुनाव हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के लिए किए गए विश्लेषण में 42% ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामले का उल्लेख किया है, लगभग 24 या 31% मंत्रियों ने गंभीर आपराधिक मामले की घोषणा की है, जिसमें हत्या से संबंधित मामलों, हत्या के प्रयास, डकैती मामलों के इन नेताओं पर केस दर्ज हैं। इसके अलावा मंत्रियों के विश्लेषण में पता चलता है कि 90% मंत्री भाजपा के करोड़पति हैं और प्रति मंत्री की औसत संपत्ति 16.24 करोड़ रुपये है। 4 मंत्रियों ने 50 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषणा की है, वे जितोरित सिंधिया, पीयूष गोयल, लातू राणे और राजीव चंद्रशेखर हैं। जो दोस्तों बड़ी खबर है, भाजपा के जो 78 मंत्री हैं उनमें भ्रष्टाचारी और करोड़पति कई मंत्री शामिल हैं। जो दोस्तों बड़ी खबर है एडीआर की रिपोर्ट में मोदी सरकार की पूरी तरह से पोल खुल गई है।
इसी बीच अगली बड़ी खबर कल का शाम ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने योगी को बताया ढोंगी। कहा उत्तर प्रदेश में चल रहा है राक्षस राज। जो तो आप बता दें उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर विवाद बढ़ते जा रहा है। हिंसा पर पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस पार्टी के बयान के बाद अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने योगी पर बड़ा हमला बोला है। राबड़ी देवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है, किस मुंह से वो अपने बाबा को और योगी कहते हैं, ये तो ढोंग की पराकाष्ठा है। पुलिस के भेष में गुंडे कानून की उत्तर प्रदेश में रखवाली कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानूनी राज नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का गुंडा राज चल रहा है। जो बड़ा हमला बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने योगी पर बोला है और योगी को ढोंगी बताया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कल का शाम ने सीमा छोड़कर भागे अफगानिस्तानी सैनिक। तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर किया कब्जा। जो आप बता दें करीब 20 वर्षों के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी है। इसके बाद एक बार फिर से तालिबानी वर्चस्व बढ़ता दिख रहा है। तालिबान ने खुलकर कहा कि अफगानिस्तान का 85% इलाका उसके कब्जे में है। तालिबान ने ईरान के साथ लगती अफगान सीमा के एक और अहम हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी दोनों क्षेत्रों पर तालिबान कब्जा जमा चुका है। वहीं आप बता दें ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान और ईरान के बीच क्रॉसिंग की तरह इस्तेमाल होने वाला इस्लाम कला से अफगान सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं और ईरान की शरण ले ली है। तालिबानी लड़ाके इस इलाके में दाखिल हो गए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग तालिबानियों का स्वागत कर रहे हैं। वहीं ट्रकों में सवार होकर आए तालिबानी लड़ाके हवा में गोलियां भी चला रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर है तालिबान की सेना से डरकर अफगानिस्तान की सेना भाग गई है और तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि हमने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा कर लिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर कल का शाम ने किसानों से मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान अब हर रोज 200 किसान संसद के बाहर मोदी और अमित शाह के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। बढ़ गई है मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। जो आप बता दें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून को रद्द कराने के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अब हर रोज 200 किसान 22 जुलाई से संसद के बाहर मोदी और अमित शाह के खिलाफ धरना देंगे और यदि केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून पर बात करना चाहती है तो किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारी मांगे मानी जाएं। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 5 महीनों से केंद्र की मोदी सरकार हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि संसद के आने वाले सत्र में किसानों का मुद्दा उठाया जाना चाहिए और किसानों का मुद्दा अगर विपक्ष ने नहीं उठाया तो हम संसद के बाहर मोदी और अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो तो बड़ा झटका किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी और अमित शाह को दे दिया है और संसद के बाहर धरना देने की किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी और अमित शाह को चेतावनी दे दी है जिसके बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कल का शाम ने चीन ने बढ़ाई मोदी की मुश्किलें। चीन तिब्बती लड़ाकों को सेना में कर रहा है शामिल, भारत के खिलाफ एलएसी पर करेगा तैनात। बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। जो आप बता दें चीन अपने षड्यंत्रकारी चालों से बाज नहीं आ रहा है, अब वह भारत के खिलाफ तिब्बत को इस्तेमाल करने की जुगाड़ में है। चीन तिब्बती युवकों को सेना में भर्ती कर ऊंचाई वाले स्थानों पर भारत के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि चीन जिन तिब्बतियों को भर्ती में शामिल कर रहा है उनको लॉयल्टी टेस्ट से भी गुजरना पड़ रहा है। वहीं आप बता दें रिपोर्ट की माने तो चीन जिन भी तिब्बतियों को सेना में भर्ती कर रहा है उनको कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वोच्च मानना होगा। तिब्बतियों के लिए दलाई लामा सर्वोच्च है लेकिन चीन सेना में शामिल होने वालों पर यह शर्त रखा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वोच्च मानना होगा और उसके हर आदेश को मानना होगा। इसके अलावा चीन भाषा सीखनी होगी। प्रशिक्षण लेने वालों को यह भी बताया जा रहा है कि तिब्बत सैनिकों को एलएसी पर भारत के खिलाफ तैनात किया जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर है चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियों को शुरू कर दिया है और तिब्बती लड़ाकों को सेना में शामिल कर रहा है जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर कल का शाम मायावती ने योगी पर बोला बड़ा हमला। कहा उत्तर प्रदेश में कानून नहीं जंगल राज चला रही है योगी सरकार। जो आप बता दें उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में हिंसा की घटना को लेकर बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। मायावती ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान की योगी सरकार में कानून का शासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है जिसके तहत यहाँ पंचायत चुनाव में हिंसा की असंख्य घटनाएं और लखीमपुर खीरी की एक महिला से की गई बदसलूकी की घटना अति शर्मनाक है। क्या यही इनका कानून का राज्य व लोकतंत्र है? यह सोचने की बात है। जो बड़ा हमला मायावती ने यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर योगी पर बोला है।
इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, मध्य प्रदेश से मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया ऐलान, 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी सरकार, मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ। जो बता दें, मध्य प्रदेश में 2023 में क्या फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दावा किया है कि 2023 की विधानसभा चुनाव में एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़कर 150 से 170 सीटें जीतकर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं आप बता दें, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हम 150 से 170 सीटें लेकर आएंगे, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सभी चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह लेकर एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कर दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं, ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर पाला पलट दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की सरकार बना दी थी। इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार के अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा लिस्ट बन रही है, सब रखा जाएगा याद, चुन चुन कर लिया जाएगा, सभी से बदला। चौंसता बता दें, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के दौरान कई जिलों में हिंसा मारपीट, प्रत्याशियों के पर्चे फाड़े जाने, छीने और अभद्रता के मामले सामने आए थे। कई जगह पुलिस ने बल प्रयोग किया। लखीमपुर खीरी में तो एक महिला नेता के साथ पुलिस के सामने ही बल सलूकी की गई। इस घटना के लिए समाजवादी पार्टी ने सत्तारूढ़ दल भाजपा भारतीय जनता पार्टी को दोषी बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में गुंडे को आजादी दे रखी है। योगी के निर्देश पर DMSP भाजपा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, सब कुछ याद रखा जाएगा, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने अपने आप को अनुसूचित पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के गुंडे ने महिला की इज्जत को तार तार किया है। हमें दुख है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग इस स्तर तक उतर आएंगे, जिन्होंने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, सब भाजपा के गुंडे हैं। भाजपा ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में नंगा नाच और खुला गुंडागर्दी की है और सभी अधिकारियों को अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है और कहा है सभी अधिकारियों की लिस्ट बन रही है, सब याद रखा जाएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2022 के में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सभी अधिकारियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। जो दोस्तों, खुली चेतावनी अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार के अधिकारियों को दे दी है। तो दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही टुडे ब्रेकिंग न्यूज लाते रहेंगे।